हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यार, आज सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात नहीं, आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग की, क्योंकि आज है इंजीनियर्स डे। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंजीनियर्स डे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और आप सभी इंजीनियर्स को मतलब मैं भी इंजीनियर हूं, तो मुझे काफी प्राउड फील होता है कि चलो इस इंजीनियर हूं। आप सबको भी प्राउड होना चाहिए। तो यार, ये सबसे पहले तो ये क्यों मनाया जाता है, तो आप सभी को पता ही होगा, श्री एम विश्वेश्वरैया जी का आज जन्म हुआ था। वो इंजीनियर थे और वो भारत रत्न उन्हें मिला था, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा काम किया है इंजीनियरिंग सेक्टर में, खास के सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। तो उनका जन्म हुआ था 1861 में कर्नाटका के मैसूर जिले के पास, और उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े काम किए यार, कितने गिनाऊं, मतलब कम पड़ जाएंगे, बट थोड़ा बहुत मेंशन की। सबसे पहले तो कृष्ण राजा सागर डैम उन्होंने बनाया है, जो कि कर्नाटका में है, मतलब पूरा आर्किटेक्चर उनका है। यहाँ पुणे में भी खड़कवासा रिवर रिजर्वर जो है वो भी उन्हीं का है, और थोड़ा सा स्पेशल मेरे लिए मोकामा जो बिहार में है, वहाँ पे मोकामा जो गंगा ब्रिज है मोकामा में, वो उन्होंने ही मतलब पूरी तरह से नहीं बनाया, बट उनके इनपुट्स लिए गए थे, बिकॉज ऑफ कोर्स उस समय वो 90 इयर्स के थे यार, तो 90 इयर्स के एज में कोई वहाँ पे आ नहीं, बट उनके डिज़ाइन में इनपुट्स काफ़ी लिए गए हैं, और मेरे लिए इसलिए स्पेशल है कि मैं जब भी गांव जाता तो ब्रिज के ऊपर से जाता था, और बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन है, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आप देख सकते हो, ट्रसेस वगैरह बहुत मस्त बनाया है। तो ट्रसेस याद है ना, बाय द वे, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग क्या होता है, ठीक है, भूलना मत, कोई भी चीज़ भूलना मत, सब काम की चीज़ है। तो ये मेरे लिए स्पेशल, और सबसे स्पेशल चीज़ की उन्होंने जिस कॉलेज से पढ़ाई की है, COEP से, मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ, तो उनकी एक मूर्ति भी लगी हुई रहती है वहाँ पे, तो हम सभी हाथ जोड़ते हैं उनको वहाँ पे। बहुत ही अच्छा लगता है ये जान के कि उन्होंने भी उसी कॉलेज से पढ़ाई की है। तो बहुत स्पेशल डे है मेरे लिए भी, और आई थिंक आप सबके लिए भी होगा। और एक तो बचपन की भी थोड़ी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं इस इंजीनियर्स डे से, बिकॉज मेरे पापा भी गवर्नमेंट ऑफिसर थे, इंजीनियर ही थे। तो हम जिस टाउन में रहते थे, तो पूर्णिया टाउन में रहते थे, तो वहाँ पे 15 सितंबर के दिन सभी जो इंजीनियर्स थे टाउन के, उनको बुलाया जाता था, और एक कला भवन वहाँ पे है, तो कला भवन में थोड़ा बहुत फंक्शन होता था, डांस प्रोग्राम्स एंड ऑल दैट, और मैं भी उनके साथ जाता था, तो मज़ा आता था, मैं स्कूल में ही था तब, और खाना मिलता था यार, डिनर रहता था, तो बहुत मज़ा आता था। तो ये अब तो यार इंजीनियर्स डे तब मनाते थे, अब तो क्या मनाते हैं यार, ट्यूसडे आज काम करना है, कोई स्पेशल ओकेजन नहीं, बट ठीक है यार, हम और आप मिलके ये चीज़ शेयर कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, बस यही हम कर सकते हैं, और हम कहीं कुछ फंक्शन तो क्या ही कर सकते हैं, और ऊपर से पेंडेमिक है, तो हम और भी कुछ बाहर निकल ही नहीं सकते, बट स्टिल बहुत स्पेशल डे है इंजीनियर्स के लिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी हम सबको पता है इंजीनियरिंग का धीरे धीरे वैल्यू डाउन हो रहा है, बट प्लीज़ इसको समझिए कि ये बस वैल्यू सोसाइटी में डाउन हो रहा है, ठीक है, इंडस्ट्री में डाउन बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये चीज़ बिल्कुल मत समझिए। गांव से बहुत लोग के कॉल आते हैं, अंकल वगैरह ऐसे ही करते हैं कि बेटा इंजीनियरिंग में अब पहले वाली बात नहीं रही। तो यार अंकल, इंजीनियरिंग में अगर पहले वाली बात नहीं रहती ना, तो आप अभी उतने बड़े वाले फ़ोन से बात करते, वो फ़ोन छोटे छोटे नहीं होते जाते, और कान में लगा के आप घर पे नहीं बात करते रहते। तो इंजीनियरिंग में बिल्कुल पहले वाली बात नहीं है, बल्कि पहले से बहुत एडवांस हो गया इंजीनियरिंग, और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं अब। तो यार प्लीज़, सोसाइटी में भले ही थोड़ा बहुत हो कि हर दूसरे घर में इंजीनियर है यार, तो हर दूसरे घर में इंजीनियर क्यों है, क्योंकि हर कोई इंजीनियर बनना चाहता है। आप ये सोचो, इंजीनियर नहीं तो क्या, ठीक है। लोग बोलते हैं यार इंजीनियर्स आजकल कुछ नहीं करते हैं, बस ये किधर भी जॉब ले लेते हैं, उनके सेक्टर में नहीं है तो भी जॉब ले लेते हैं, क्यों ले लेते हैं, ये बस उनको दूर से लगता है। हमने ये 4 साल जिया है, आप लोगों ने भी देखा, वो 4 साल में सिर्फ, जब कोई बोलता है ना कि नॉलेज इज नॉट अबाउट बुक्स, तो वी आर द एग्जाम्पल्स। हम यार स्पोर्ट्स में खेलते हैं, हम अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, हम वहाँ पे मतलब 4 साल में 40 सब्जेक्ट्स निकालते हैं, ये सिर्फ इंजीनियर ही कर सकते हैं यार, और कोई नहीं कर सकता। तो ये जो मैनेजमेंट स्किल है यार, हमसे बेहतर मैनेजर और कौन बन सकता है बताओ, इंजीनियर तो हम हैं ही, बट हमसे ज़्यादा अच्छा मैनेजर कौन बन सकता है 4 साल में 40 सब्जेक्ट्स निकालना। और बहुत सारी चीज़ें हैं, एक दिन में
पेपर निकालते हैं एक दिन रात भर पढ़ के, टाइम मैनेजमेंट स्किल यार कहाँ से लाओगे ये टाइम मैनेजमेंट स्किल, और कौन से स्टडी से पढ़ के लाओगे। और प्रोजेक्ट करते हैं हम, टीम वर्क आता है हमारे पास, मिनी प्रोजेक्ट्स में हम अकेले काम करते हैं, इंडिविजुअल भी ग्रोथ होता है। हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना मामूली काम नहीं है, अगर किसी ने बनाया है अच्छे से तो यार आपकी राइटिंग स्किल कितनी इंप्रूव होगी। अलग अलग लोगों से बात करते हैं, मल्टीपल स्टेट्स के लोग आते हैं वहाँ पे पढ़ने, तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपका ओवरऑल, हॉस्टल में जब आप रहते हैं तो आपके आप एडजस्ट करते हैं वहाँ, बहुत कुछ सीखते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, हर चीज करते हैं यार। तो आप कैसे, तो इंजीनियर्स कैसे आप समझ सकते हो कि यार सिर्फ इंजीनियरिंग के तरफ जाएगा, आपका ओवरऑल विकास होता है वहां पे। तो यार इंजीनियर्स आज क्रिकेटर है, सीएम है, ठीक है, आज इंजीनियर्स हर कुछ कर रहा है, सिर्फ इंजीनियरिंग की बातें नहीं कर रहा, इंजीनियर्स राइटर है आज, इंजीनियर्स आज क्या बोलूंगा, हर हर जगह इंजीनियर सर, मैनेजमेंट में चले जाओ, गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ, यूपीएससी में चले जाओ, इसलिए तो लोग जलते हैं यार कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है। दैट्स व्हाई दे यार इंजीनियर्स का किधर भी चले जाते हैं, कोई उनका ये नहीं, क्योंकि हम किधर भी चले जाते हैं बिकॉज वी कैन गो, वी कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज वर्ल्ड इज इंजीनियरिंग। आज इंजीनियर्स के बिना वर्ल्ड, मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, ये माइक है, ये कैमरा है, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्योंकि इंजीनियरिंग है, डेटा स्पीड इतनी हाई है क्योंकि इंजीनियरिंग है, जियो ने ऐसे ही थोड़ी डेटा प्लान कम कर दिया, इंजीनियर्स की बदौलत ही कम किया है ना, ठीक है। तो इंजीनियर्स को, इंजीनियरिंग को बिल्कुल भी छोटा मत समझो, बिल्कुल भी सोसाइटी कितनी भी डिमोटिवेट करिए, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सारे लोग बोलते यार डिमोटिवेट, अब हम अपने बच्चे को इंजीनियर्स नहीं बनाएंगे, हम कुछ और बनाएंगे, तो यार एक बार सोच लो, इंजीनियर नहीं बनाओगे तो क्या बनाओगे, कि हर चीज इंजीनियर ही कर रहा है, तो और क्या बनाओगे यार, इंजीनियर हर जगह है, तो इससे बच के नहीं जा सकते हो। तो यार ऐसे ही प्लीज कीप बी मोटिवेटेड, इंजीनियरिंग बहुत अच्छी चीज है और बहुत आगे लेके जाएगी आप सभी को। हाँ थोड़ा सा पेंडेमिक है, बहुत सारे लोगों को कठिनाइयां हो रही है, स्ट्रगल पीरियड, स्ट्रगल कहाँ नहीं यार, स्ट्रगल हर पीरियड में भी, हमने भी किया है, इवन जो विश्वेश्वरैया जी है उन्होंने भी किया है, स्ट्रगल हर जगह। तो यार स्ट्रगल को किसी सेक्टर को डीमोटिवेट करने मत दो, ये हर किसी इंसान का खुद का स्ट्रगल होता है, तो बस इसके थोड़ा सा आगे बढ़ो फिर तो आगे कामयाबी है। तो ऐसे ही सीखते रहो, बने रहो मेरे चैनल से, और इंजीनियरिंग डे मनाओ, अच्छे से मनाओ, दोस्तों को विश करो और खुशी खुशी जियो, कीप मोटिवेटेड एंड दूसरों को भी मोटिवेट करो। ओके, तब तक के लिए टेक केयर।